किसी की फाइल या मीडिया हाई पर केस का फैसला नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहते हैं अदालतें आजाद हैं, किसी दबाव का शिकार नहीं, इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। जुडिशल निजाम की बेहतरी के लिए मजीद मेहनत करना होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा मेरिट की बालादस्ती से ही इदारे मजबूत होंगे, असूल और जाब्ते जाती तरजीहात से ज्यादा अहम हैं। लीगी रहनुमाओं के कप्तान और पीपल्स पार्टी पर निशाने, ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफी की तनकीद। आबिद शेर अली बोले अदालत में इमरान खान का नाम काली स्याही से लिखा जा चुका, बिलावल के सड़कों पर आने की परवाह नहीं। मरियम औरंगजेब का बिलावल को मुतालबा, सिंध हुकूमत को पेश करने का मशवरा, कप्तान की सियासत तकरीबी करार। बिलावल भुट्टो के चार मुतालबात तकसीम किए जाएं, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मुतालबा। मौला बख्श चांडियो कहते हैं तहरीक शुरू की तो हुक्मरानों के दिन खत्म हो जाएंगे। सेनेटर सईद गनी ने कहा कि नवाज लीग से अपनी जमात का वजीर खारजा लगाने का मुतालबा किया, ओपोजिशन का नहीं। बेंच, कुर्सी या मंजी, जो भी बने पैनामा का मसला हल होगा, चौधरी शजाब की पेशगोई। कहते हैं वजीर आजम ने जाति मफाद को तरजीह दी। सरबरा अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी पैनामा लीक तहकीकात से नाउम्मीद, कहा मामले पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ चुके, अब कफन पहनाया जा रहा है। पेशावर में मुहाफिज निशाने पर फकीराबाद में नामालूम अफराद से डीएसपी रियाज इस्लाम जाँ बहक, पुलिस अफसर को मगरिब की नमाज के बाद निशाना बनाया गया। कराची के सखी सरवर कब्रिस्तान से मुर्दे निकालकर कब्रें बेचने का इल्जाम, पुलिस अदालत में सबूत पेश न कर सकी। मुल्जिम का मजदूर होने का बयान, अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। सानिया हवेलिया की तहकीकात जारी, ब्लैक बॉक्स तहकीकात के लिए फ्रांस भेजा जाएगा। पिम्स का अमला डीएनए टेस्ट के लिए छुट्टियों में भी काम करेगा। 47 में से 9 लाशों की तदफीन, एयर होस्टेस सदफ को अबाई गांव में सपुर्दे खाक कर दिया गया। इंसानी हकूक के आलमी दिन पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुजाहरे, काबिज फौज का निहत्थे कश्मीरियों पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल, मुतअद्दिद शहरी जख्मी, हुर्रियत क़यादत समेत दर्जनों गिरफ्तार। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां जारी, गलियां बाजार दुल्हन बन गए, हर तरफ दरूद व सलाम की सदाएं फजाएं महकने लगी। खुश्क सर्दी की छुट्टी, कोयटा और चमन में बारिश से सर्दी में इजाफा, इस्लामाबाद में भी बादल बरसे, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। अस्सलामुअलैकुम, रॉयल न्यूज के स्टूडियो में खुश आमदीद, मैं हूँ मारिया खान और मैं हूँ नासिर हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।